नमस्कार दोस्तों, कांताज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको साबूदाना पेटीज बनाना बताती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियोस आपको पसंद आए हो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए दोस्तों, अब मैंने ये उबले हुए चार आलू लिए हैं। करीब करीब हमारे ये 250 से 300 ग्राम आलू होंगे, 300 ग्राम। एक इसके लिए नींबू लिया है। ये 25 ग्राम साबूदाना मैंने भिगो दिए 4-5 घंटे के लिए। ये भीग के इस तरह से तैयार हो गए। आधी कटोरी मैंने साबूदाना लिया। ये धनिया लिया, साबूदाना 25 ग्राम मैंने इसको पीस के पाउडर बना लिया मिक्सी में। और पनीर लिया है, इसमें काजू बादाम थोड़े थोड़े डाल दिए। और मूंगफली जो सिंगदाना होती है उनको मैंने रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया। हरी मिर्ची, अदरक, काली मिर्च और सेंधा नमक, ये हम सब बना रहे हैं फलियारी के हिसाब से। अभी नवरात्र आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बनाना बताती हूँ। इन आलू को मैं पहले ऐसे घिया कसे से थोड़ा कस लूँगी तो ये अच्छे बारीक हो जाएंगे, तो बनाने में हमें बहुत ईजी रहे। अब इसके अंदर ये जो मैंने पिसा हुआ पाउडर है थोड़ा तो इसमें मिक्स कर रही हूँ, और कुछ हमें ऊपर से लगाने के लिए चाहिए। और बाकी ये साबूदाना जो मैंने भिगोए थे वो इसमें डाल देती हूँ। जितने हमें लगेंगे उसी हिसाब से हम डालेंगे, फिर और देखूँगी ज़रूरत लगी तो उनमें डालूँगी। ये हरी मिर्च है, 1 टेबल स्पून ये हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें अदरक किसी भी है बारीक बारीक कटी हुई, ये काली मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक, सेंधा नमक है क्योंकि हम फलियार के हिसाब से बना रहे हैं। इसमें 1 टेबल स्पून नमक आराम से लगेगा। और जो मैं फिलिंग दूंगी इसके अंदर भी मैं थोड़ा नमक मिला रही हूँ, और थोड़ी हरी मिर्च, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी फ्रेश मिर्च है ताज़ा, और थोड़ी हरी मिर्च, इसकी फिलिंग बनाऊंगी। और इसके अंदर अच्छे से हरा धनिया डालेंगे हम, धनिया से बहुत अच्छा बनता है। और थोड़े इसमें भी धनिया देंगे हम फिलिंग जो बना रहे हैं उसमें। अब इसके अंदर 1 से 1.5 नींबू का रस हम इसमें देंगे, तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है पेटीज। इसमें मैं ये हमने नींबू डाल दिया। अब जो मैंने रोस्ट करके सिंगदाना जो पीसा था ये वाला, ये भी इसमें मिला देती हूँ। अब इनको सबको हम मिक्स करेंगे। एक बार इतना रख लेती हूँ, जरूरत लगी तो उनमें डाल दूंगी। ये जो मैंने इसके अंदर पनीर लिया है, और हरी मिर्च, अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, काजू, और जरा थोड़ी सी बादाम, 3-4 पीस काजू है, 3-4 पीस बादाम है, इनको बारीक बारीक देखिए मैंने काटे हैं। इस तरह से ये अंदर की फिलिंग बना रही हूँ। इसमें आपकी इच्छा हो तो थोड़ी सी चीनी भी दे सकते हो अंदर, इसको मीठा टेस्ट चाहिए। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, कभी आप लोग ज़रूर बना के खाना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हाथ में घी लगा लेंगे, हाथ पे फिर चिपकेगी नहीं हमारे। और इसको इस तरह से बनाएं, बॉल बनाएं हाथ में थोड़ा इसे। अब इसके अंदर हमने ये फिलिंग भरनी है, थोड़ी सी फिलिंग के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, पनीर है, आलू है, काजू है, बादाम है, सब है। इसकी मैं पेटीज बना रही हूँ। पेटीज को आप जो शेप देना है आप दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हो। देखिए गुंजी के आकार की ये पेटीज बन गई हमारी, इस अंदर फिलिंग भर दी, इस तरह से बन गई। एक तो मैं ये शेप दे रही हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर फिर मैं जो साबूदाना को पीसा है उसको इस पर इस तरह से लगा दूंगी, तो हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। ये देखिए इस तरह से हमने किए, इसे हमें यहाँ रख दिए। अब मैं आपको दूसरी बना के बताती हूँ। जब भी हमें ये फिलिंग भरनी है इस तरह से,
और आपको जैसे चौकोर शेप चाहिए चौकोर बनाइए, राउंड चाहिए राउंड बनाइए, गुंजिया के आकार वाली चाहिए वो बना लीजिए। अब मैं चौकोर बना रही हूँ, मुझे चौकोर बहुत पसंद है। ये जब भी हाथ में आपके मसाला चिपके तो आप ना थोड़ा सा इसे घी लगा लीजिए और फिर इसे बना लीजिए। अब मैं इसे देखिए इसी तरह से सब बनाऊंगी। ये हमारी तैयार हो गई। वापस इस पर यही साबुदाना, जैसे हम लोग कई चीज़ों में सूजी लगाते हैं, ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, तो हमने ये फलियार के हिसाब से बनाया, तो इसमें साबुदाना को पीस के इस तरह कर दिए। आप साबुदाना रोस्ट करके भी पीस सकते हो, बिगर रोस्ट किए भी पीस सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों ये मैंने बना लिए, अब मैं इनको आपको फ्राई करके बताती हूँ कैसे करना है। इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, इसमें आप घी में भी फ्राई कर सकते हो, तेल में भी फ्राई कर सकते हो, मूंगफली के तेल में सेलो फ्राई भी कर सकते हो। मुझे तो फ्राई करा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको फ्राई करके बता रही हूँ। अब मैं एक बार तेल गर्म हो गया चेक कर लेती हूँ, जरा सा टाल के अच्छा सा गर्म है। ये हमेशा हमें को ये जब भी डाले ना साबुदाने कोई भी चीज़ बनाए तो तेज तेल में एक बार डालना चाहिए, फिर हम गैस को मीडियम कर देंगे। इसी तरह हम लोग फ्राई करेंगे इनको। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, ये हमें और थोड़ी सी करारी करनी है। जो हमने साबुदाना पीस के लगाए ना उसके कारण इतनी खूबसूरती आ रही है इसमें। ये देखिए हमारे ये सिक्के तैयार हो गए, अब मैं इन्हें निकाल देती हूँ। ये देखिए एकदम कुरकुरे हुए अच्छे। देखिए दोस्तों ये हमारी साबुदाना पेटीज बनके तैयार हो गई।